दुनिया भर के देशों के मार्स मिशन ने ये साबित कर दिया कि इंसान धरती के अलावा भी मंगल ग्रह पर जीवन यापन के सपने देख रहे हैं। अगर आपका अगला सवाल ये है कि मंगल पर बसने वाला सबसे पहला इंसान कौन होगा, तो इसका जवाब भी तैयार है, एलिसा कार्सन। जी हाँ, एलिसा कार्सन सबसे पहले मार्स पर जाएंगी। जिस उम्र में बच्चा ठीक से अपनी विजन नहीं समझ पाता, उस उम्र में एलिसा कार्सन ने स्पेस की सैर करने का सपना देख लिया था। 10 मार्च 2001 को अमेरिका के लुसियाना में जन्मी एलिसा के पिता ने उन्हें अंतरिक्ष और ग्रहों की कहानियां बताई। एलिसा का कमरा भी कुछ ऐसे ही डिजाइन किया गया है मानो वे अंतरिक्ष में हो। कुल मिलाकर उनकी दुनिया धरती से ज्यादा अंतरिक्ष में थी। फिलहाल एलिसा अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ट्रेनी है, लेकिन यहाँ पहुँचने का सपना उन्होंने 3 साल की उम्र में ही देख लिया था। सारे ग्रहों को छोड़ एलिसा को लाल रंग के मंगल ग्रह में दिलचस्पी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने मंगल पर रोवर लैंडिंग के वीडियोस देखना शुरू कर दिया। 2008 में एलिसा के पिता उन्हें हंट्सविले अलबामा के स्पेस कैंप में ले गए। वैसे तो ये एक वीकेंड कैंप था, पर एलिसा को यहाँ इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 18 बार इसके चक्कर लगाए। वहाँ एलिसा ने पहली बार लाइफ साइज रॉकेट देखा। 12 वर्ष के होने तक उन्होंने नासा के सभी 3 स्पेस कैंप अटेंड कर इतिहास रच दिया। 2013 तक एलिसा ने सभी 14 नासा विजिटर सेंटर घूम लिए। ऐसा करने के साथ ही वे नासा पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली इंसान बनी। स्पेस कैंप में जाते हुए एलिसा ने तय कर लिया था कि वे एस्ट्रोनॉट बनेंगी और उनकी पहली यात्रा मंगल ग्रह होगी। यही कारण है कि नासा ने एलिसा को बचपन में ही इस लक्ष्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। एलिसा ने ज्यादा दोस्त नहीं बनाए, वे ज्यादा सोशल नहीं है। एलिसा बचपन से ही नपातुला भोजन करती है। कुल मिलाकर उनका शरीर इस तरह के खाने का आदी है जैसा कि एस्ट्रोनॉट खाते हैं। 32 साल की उम्र में वे नासा के उस मिशन का हिस्सा होंगी जो इंसानों के एक दल को लेकर मंगल पर जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है मंगल पर इंसानी भविष्य की उम्मीदें तलाश करना, कॉलोनियों का निर्माण करना, खेती करना और वहाँ के वातावरण को इंसानों के लिए हर तरह से परखना। यह मिशन करीब 3 साल का है, यानी एलिसा अपने साथियों के साथ 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहने वाली है। अपने एक इंटरव्यू में एलिसा कहती हैं कि वे टीचर या देश के प्रेसिडेंट बनने का सपना भी देखती हैं, पर ऐसा तब होगा जब वे मंगल मिशन को पूरा कर धरती पर सही सलामत लौट आएंगी, जिसके बारे में अब तक नासा ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कुल मिलाकर एलिसा बचपन से जानती हैं कि वे एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रही हैं जहां से शायद वे लौट आए और शायद नहीं भी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।